Hello students, my name is Rukaiya and I'm teacher of Fresh Birth School and today I'm going to teach you Social Study Chapter 7 Air. तो ये chapter में जो है हम लोग air के बारे में study करेंगे. So, living things need air. जितने भी living things हैं उनको air की ज़रूरत है. Air is everything. Okay? Moving air is called wind. Air that moves gently is called breeze. Fast moving air that uproots trees and destroys homes is called storm or a gale. तो जो हल्के हल्के हवा चलते हैं तो उन्हें हम विंड कहते हैं और जो फास्ट एयर होते हैं वो स्टॉर्म, हम लोग उसे स्टॉर्म कहते हैं, तूफान वगैरह. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डज एयर कंटेन. एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस, स्मोक्स, डस्ट एंड जर्म्स. तो एयर एक्चुअली होता क्या है, उसमें गैसेस होते हैं, धुआं होता है, डस्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं और उसमें जो है वाटर भी होते हैं, वाटर वेपर. ओके, नाउ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कैसे होता है, स्मोक, डस्ट और जर्म्स ये सारे मिलकर जो है एयर को गंदा बनाते हैं, डर्टी बनाते हैं, जिसे हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं. एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग थिंग्स. तो जितने भी रास्ते में गाड़ी चलते हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब के वजह से एयर पोल्यूटेड होते हैं, एयर डर्टी होते हैं, ये कॉज है. और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेस, बहुत सारे कॉज हैं. और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी बीमारी फैलते हैं, जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं. नाउ प्रिवेशंस ऑफ एयर बोन्स डिजीजेस. अब उसकी जो बीमारी वगैरह क्या होते हैं कि कैसे हम लोग को क्या उससे बचना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि हम लोग को हमेशा अपना जो है हैंड क्लीन रखना चाहिए और जब भी छींक आए या कफ आए तो हम लोग को अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए और हमेशा हैंकीज और टॉल यूज़ करना चाहिए जिससे वो जो है डिजीज़ से हम लोग बचे हुए रहें. नाउ वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कैसे हम लोग एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. तो हम लोग को ज़्यादातर जो है चलना चाहिए, साइकिल यूज़ करना चाहिए आसपास जाने के लिए, व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. और फिर और अगर हम लोग बहुत सारे जने एक साथ कहीं जा रहे हैं तो एक ही व्हीकल में जाना चाहिए एडजस्ट करके. चीज़ें जो है वो जलाना नहीं चाहिए, खोल कर नहीं जलाना चाहिए, ढाक कर जलाना चाहिए. और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग वगैरह अपने आस पड़ोस में जो है प्लांट्स लगाना चाहिए ताकि वो एयर जो है वो क्लीन रहे. तो लाइक होप यू स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आए इस चैप्टर को और आप लोग भी रीड करना, आप लोग को भी समझ जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.